कृषि शिक्षा की जानकारी के लिए साई एग्री एक्सपर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम चर्चा करेंगे जल निकास के बारे में। ठीक है, अभी तक से हमने क्या क्या पढ़ा है, सिंचाई पढ़ ली, उनके साधन पढ़ लिए, सोर्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे जल निकास। जल निकास क्या होते हैं, सिंपली क्या है, ठीक है, इसको इंग्लिश में ड्रेनेज कहते हैं। जल निकास को डिफाइन करें तो कह सकते हैं रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड। ठीक है, वर्षा के अतिरिक्त जल को या सिंचाई के अतिरिक्त जल को खेत से, फील्ड से बाहर निकालना, ये आपका जल निकास कहलाता है। और इस प्रक्रिया को हमको कृत्रिम तौर पे आर्टिफिशियली करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि क्या है, इरिगेशन देते हैं, उसमें क्या आर्टिफिशियली एप्लीकेशन ऑफ वाटर, ठीक, वो आपका इरिगेशन है। और आर्टिफिशियली रिमूवल ऑफ वाटर या फिर आर्टिफिशियली रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड ड्रेनेज। ठीक है, तो ये आपका जल निकास का परिभाषा है। हिंदी में और कहूँ तो कृत्रिम रूप से पानी की अतिरिक्त मात्रा को खेत से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। इस जल निकास की प्रक्रिया को आप दो टाइप से कर सकते हैं, उनका भी सिस्टम है। एक तो भूमि के ऊपर से उसको ड्रेन कर सकते हैं या अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जल निकास करने का क्या उद्देश्य रहता है, क्या लाभ रहते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट देखिए क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या ऑब्जेक्ट है, एक ही साथ कंबाइन है, दोनों का मीनिंग एक ही मतलब निकलेगा। जो पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट को भी कवर करेगा और एडवांटेज को भी कवर करेगा, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं, भले दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। ठीक, तो उपलब्ध जल की उपलब्धता में वृद्धि, जो आपका उपलब्ध जल है, अवेलेबल वाटर, अवेलेबल वाटर किसे कहते हैं, इससे पहले आप लोग को सोइल वाटर के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, अवेलेबल वाटर हम कहेंगे कैपिलरी वाटर को, वो हमारे लिए मोस्ट अवेलेबल है। तो कैपिलरी वाटर की जो अमाउंट है उनको बढ़ाता है कौन, जल निकास। अगर पानी भरा हुआ है तो हमारा कैपिलरी वाटर नहीं रहेगा। ठीक है, तो पानी कम कर दिए उस कंडीशन में आपका कैपिलरी वाटर सोइल में रहेगा, तो उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ती है जल निकास करने से। ठीक, पोषक तत्व की उपलब्धता, जो आप न्यूट्रिएंट्स हैं, अधिक पानी की वजह से प्लांट को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो जल निकास करने से उपयुक्त अमाउंट में उनको मिल जाएगा। वैसे मृदा तापमान में नियंत्रण, सोइल टेम्परेचर कंट्रोल होता है, जैसे कि क्या है, पानी कंटिन्यू भरा हुआ है तो पानी क्या हो गया, गर्म हो गया, पानी अब जल्दी शीघ्रता से गर्म होता है। ठीक, तो पानी को रिमूव कर दोगे तो तापमान भी उसका नियंत्रण हो जाए, प्लस एरेशन मिलेगा, एरेशन मिलेगा तो कूलिंग ठंडा भी होगा वो जगह। इस प्रकार से उपयुक्त वायु संचार, पानी को रिमूव कर देंगे एक्सेस वाटर को तो वायु संचार भी उपयुक्त होगा। जड़ों की वृद्धि, ठीक, अधिक पानी भरे रहने से रूट को ऊपर तक ही पानी मिल जाता है, वो अंदर जाने की कोशिश ही नहीं करता। जल निकास करने से पानी का लेवल थोड़ा नीचे होगा मिट्टी में, तो रूट को भी पानी के लिए नीचे जाना पड़ेगा, तो रूट का भी डेवलपमेंट अच्छे से होगा, तो शूट फूट भी अच्छे बनेंगे। मृदा क्षरण में कमी, मृदा क्षरण को नियंत्रित करती है आपका ड्रेनेज। देखिए होगा तालाब वगैरह में कंटिन्यू पानी भरा रहता है बहुत दिनों तक, तो नीचे में दलदल हो जाती है। ठीक है, या फिर जहाँ कहीं पे ज़्यादा दिन तक पानी भरा रहता है वहाँ पास की ज़मीन क्या दलदली हो जाती है, जल निकास करते रहने से वो कम्पैक्टनेस बनी रहती है, ठीक है, उसकी पकड़ बनी रहती है। वैसे बीमारी एवं कीट का नियंत्रण, पानी कहीं पर भरा है, आप चले जाए रोड में, खेत में पानी कंटिन्यू भरा है, मतलब वहाँ पर रोग कीट अधिक पनपे रहते हैं, तो ड्रेनेज करने से बीमारी कीट कम हो जाती है। लवणों में जमाव पर नियंत्रण, जो साल्ट है, जो क्या है, पानी की इकट्ठा होने के साथ साथ वहीं पे जम जाते हैं, उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। दलदली होने से बचाना, जो ज़मीन है आपका, जल निकास करने से दलदली होने से बचते हैं। तो इतने सारे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, इतने सारे लाभ कह सकते हैं जल निकास के, इसे सब आप याद रखेंगे। ठीक, इसी प्रकार क्या डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी हैं जल निकास करने के। कई बार क्या होता है, हमको पता नहीं रहता है कि कितना जल निकास करना है, उस कंडीशन में हमारे प्लांट को कम वाटर अवेलेबल हो सकता है, तो ये हमारी हानि हो सकती है जल निकास करने। ठीक है, न्यूट्रिएंट का एक स्थान से दूसरे स्थान बह जाना, जल निकास कर रहे हो तो न्यूट्रिएंट भी साथ साथ चली गई, तो वो ही डिसएडवांटेज है। ठीक, वैसे ही जल निकास आप कर रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान रखना है, ये भी आपके क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर नोट कर देता हूँ। इनको मैं मिटा देता हूँ।
जल निकास से पूर्व किन किन बातों को ध्यान रखना है? किन किन बातों को ध्यान देना है? ये आपके पीएटी एग्जाम में आया हुआ, फर्स्ट भूमि का ढाल, लैंड स्लोप, जिधर ढाल होगा उससे हम क्या करेंगे, जल निकास करेंगे। ये आपका खेत है, इस खेत में हमको क्या करना पड़ेगा, जल निकास इधर बनाना पड़ेगा, इधर बनाएंगे तो पानी नहीं निकल पाएगा, तो भूमि का ढाल, पानी की मात्रा कि आपके फील्ड में कितना पानी है, कितना अमाउंट है पानी का, ये भी जानना जरूरी है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, जल निकास करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख के आपको जल निकास करना है, ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं हम जल निकास के बाद, जल निकास का मेथड भी है, सरफेस मेथड है और अंडरग्राउंड मेथड है। तो मेथड से तो क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा। एक चीज़ और है, जल निकास गुणांक आपके क्वेश्चन में आया हुआ है। तो जल निकास गुणांक क्या होता है, इंग्लिश में कहें तो उसको ड्रेनेज कोफिशियंट, जो 24 हावर में जितनी सेंटीमीटर गहराई से हम पानी को ड्रेन करते हैं वो आपका जल निकास गुणांक कहलाता है। मतलब 24 घंटे एक दिन में जितनी सेंटीमीटर गहराई तक पानी आप निकासित कर रहे हो वो आपका जल निकास गुणांक कहलाएगा, ठीक। अब देखते हैं लॉस ऑफ इरिगेशन वाटर, सिंचाई जल की हानि, क्या क्या हानि होती है सिंचाई के जल का, ये वर्षे का जल का, ठीक। फर्स्ट है इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, ये आपका क्या है, सोइल, चलो मैं रेनफॉल डायग्राम बना देता हूँ, ठीक। ये आपका क्या है, सरफेस है, सतह, जो फर्स्ट पानी की जो ड्रॉप्स होंगे, ठीक है, जब पानी की बूंदे इरिगेशन के थ्रू कहो या आसमान से फर्स्ट टाइम इंटर करते हैं उसको हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। ये कब होगा, अनसेचुरेटेड कंडीशन, असंतृप्त दशा में, जब मिट्टी सूखा होगा और पानी जब गिरेगा, पानी अंदर प्रवेश करेगा, वो आपका क्या है, इनफिल्ट्रेशन, अंत स्पंदन। आप एक गिलास पानी लो कहीं पर मिट्टी में, सूखी मिट्टी में जाकर डाल दो, पानी तुरंत अंदर, उसको हम इनफिल्ट्रेशन कहेंगे। इनका डेफिनेशन, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन अनसेचुरेटेड कंडीशन, असंतृप्त दशा में पानी का ऊर्ध्वाधर बहाव, इसमें वर्टिकल मूवमेंट होगा वाटर का, ठीक है, नीचे की ओर जाना, मतलब ये आपका क्या है, पानी का वर्टिकल मूवमेंट। तो यही वर्टिकल मूवमेंट या वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन अनसेचुरेटेड कंडीशन, ठीक है, ये अनसेचुरेटेड कंडीशन में होगा, असंतृप्त दशा में, सूखी दशा में। उसी प्रकार है सेकंड, परकुलेशन, अंतःस्रवण, परकुलेशन क्या होगा, संतृप्त दशा में, ये पानी अंदर आ गए, पानी अंदर आ गए, ठीक। उसके बाद भी क्या है, अगर पानी अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, ठीक, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन वर्टिकली, ये क्या रहेगा आपका, सेचुरेटेड कंडीशन, संतृप्त दशा में, पानी भरा है पहले से, उसके बाद भी अगर उसमें पानी जा रहा है, पानी गिर गया, एक घंटे तक रुक गया, पानी गिरना बंद हो गया, मिट्टी गीला है, उसके बाद फिर पानी गिरता है तो फिर पानी अंदर जाता है, सेकंड टाइम जो जा रहा है पानी भरे होने के बाद भी, तो उसको हम कहते हैं परकुलेशन, अंतःस्रवण, ठीक। ये क्या होगा, पानी धीरे धीरे रिस के नीचे जाएगा, ये भी वर्टिकली होता है, ठीक। उसके बाद है लीचिंग, लीचिंग में क्या होता है, जब न्यूट्रेंट क्या होता है, पानी के साथ घुल के रूट जोन से नीचे चला जाता है, ठीक। जो न्यूट्रेंट है सोइल में वो पानी के साथ, चाहे इरिगेशन वाटर चाहे रेनफॉल वाटर के साथ घुल के रूट जोन से नीचे चला जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, लीचिंग। ये भी आपका है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू न्यूट्रिएंट्स, ठीक। ये हो गए,
वैसी है आपका सीपेज, सीपेज इन तीनों से डिफरेंट है। इन तीनों में क्या होगा, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर बहाव होगा पानी का, ठीक। सीपेज में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर, पानी इसमें हॉरिजॉन्टल बहती है। कभी देखना सीपेज आता है तो अगर यहाँ पे पानी जमा है, ऐसे यहाँ पे पानी जमा है तो ये सीपेज इधर आ जाएंगे, यहाँ गीला हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, पानी का हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है, पानी ऐसे बह रहा है। ये जो होता है वो नहर के केस में ज़्यादातर देखने को मिलता है, नहर के आसपास की ज़मीन को देखना वो हमेशा पानी भरा रहता है, तो सीपेज होता है। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर, ये आपका सीपेज, जल का क्षैतिज बहाव सीपेज कहला रहे, निकाल रिसाव। उसी प्रकार है रन ऑफ, अपवाह। अपवाह क्या होता है, जो वर्षे का जो जल है जब मिट्टी संतृप्त हो जाती है तो ऊपर में जो बहती है, ठीक है, पानी गिर रहा है कंटिन्यू, अब क्या हो गया, मिट्टी पूरा संतृप्त हो गया, संतृप्त होने के बाद जो पानी ऊपर ऊपर बहने लगती है इधर उधर, उसको हम कहते हैं रन ऑफ अपवाह, ठीक है। तो इसको अगर इंग्लिश में डिफाइन करूं, रन ऑफ को द फ्लो ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड, द फ्लो ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड आफ्टर सेचुरेटेड कंडीशन इज कॉल्ड रन ऑफ। तो ये था पानी का लॉस किनके किनके थ्रू होता है, ठीक। अब देखते हैं थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसी में, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप, विभिन्न फसलों की जल मांग। तो दो क्रॉप की ज़्यादातर पूछी जाती है, एक तो राइस एक शुगर केन। तो राइस का जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो है आपका 1000 से 1500 mm पर हेक्टेयर, गन्ने का है 1500 से 2500 mm पर हेक्टेयर, ठीक। इसको आप याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है कि कौन सी फसल है जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। धान को जितना हम पानी देते हैं उसका बहुत ही कम मात्रा में वो यूज़ कर पाते हैं। 1 kg ग्रेन प्रोडक्शन के लिए 5000 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है धान में, ठीक। देखिए वाटर रिक्वायरमेंट इनका कितना है, 1000 से 1500 mm पर हेक्टेयर। बाकी जो सीरियल्स है उसमें 400 से 500 या 400 से 600 mm पर हेक्टेयर लगता है। शुगर केन में सबसे ज़्यादा पानी ज़रूरत पड़ती है 1500 से 2500 mm पर हेक्टेयर। कई बार ये सेंटीमीटर में पूछा जाता है तो 10 हटा लो, 150 से 250। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये थर्ड ईयर स्टूडेंट हमारा इरिगेशन ड्रेनेज और लॉस ऑफ इरिगेशन वाटर, ठीक है, थैंक यू। स्टूडेंट अब हम चर्चा करेंगे सिंचाई के क्या क्या स्रोत हैं और क्या क्या साधन हैं। अभी तक से हमने क्या देखा, क्या होता है सिंचाई, क्या ऑब्जेक्ट है सिंचाई का, क्या लाभ हैं, क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि आपको सिंचाई करना है अगर फील्ड में तो क्या क्या सोर्स हैं, कहाँ कहाँ से आप पानी ले सकते हैं, प्लस कौन कौन से साधन हैं जिसके थ्रू आप पानी ले सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे फर्स्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के स्रोत, ठीक है। तो सिंचाई के दो स्रोत हैं मुख्य, एक तो है सतही स्रोत और एक है अधोसतही, ठीक है, सरफेस और अंडरग्राउंड। इसको हम लोग सतही या ऊपरी सिंचाई के स्रोत या इसको भूमिगत सिंचाई के स्रोत या अंडरग्राउंड सोर्स कह सकते हैं। तो देखिए सतही स्रोत में, सरफेस सोर्स में क्या क्या है, कैनल्स हैं, पोंड है, रिवर है, डैम है, ठीक, नहरें, तालाब, नदी, बांध, ये सारे किस में आ जाते हैं आपके, सरफेस, मतलब इसमें जो पानी जो रहता है सतह के ऊपर में रहता है। नहर देखे होंगे, नहर के ऊपर में पानी दौड़ता है, तालाब के ऊपर में पानी रहता है, नदी में पानी ऊपर में रहता है, डैम बांध में ऊपर में रहता है। तो ये सब क्या है, पानी के ऊपरी स्रोत या सतही स्रोत। उसी प्रकार सेकंड है हमारा भूमिगत, भूमि की जो जमीन के अंदर रहते हैं, कुआं, वेल,
कुएं में देखोगे पानी कुएं के अंदर जमीन के अंदर रहता है। हैंडपम्प जो नल होते हैं उसमें भी जमीन के अंदर से आते हैं। ट्यूबवेल बोर होते हैं उससे भी अंदर से आते हैं। आर्टिसियन वेल पताल तोड़ कुआ, आर्टिसियन वेल पताल तोड़ कुआ जो कि पुराने जमाने में होते थे, जहाँ से ऑटोमेटिकली पानी बाहर निकलता रहता है। ठीक है, आप अभी भी कई स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ पे जमीन से क्या है ये ज़्यादा गहराई के नहीं होता है। ठीक है, ये आपका 10 से 20 फीट की गहराई पे मिल जाएंगे, वहाँ से पानी क्या है ऑटोमेटिकली बाहर फ्लो होते रहते हैं। तो ये आपके हैं सिंचाई के स्रोत, इसे आप याद रखेंगे कौन कौन से सतही है कौन कौन से अंडरग्राउंड है। ठीक, अब देखिए इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं। आपके पीएटी एग्जाम में आया होगा, दो बार आ चुका है कि भारत में सबसे अधिक सिंचाई कौन से स्रोत से की जाती है, या भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, या छत्तीसगढ़ में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है। तो छत्तीसगढ़ और भारत दोनों में सिंचाई का मुख्य साधन है नहर। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, नहर। 40% जो एरिया में किससे की जाती है, नहर से की जाती है। 35% एरिया में वेल से एंड ट्यूब वेल से, 25 एरिया में। तो इस डाटा को आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए और एक क्वेश्चन क्या होता है, इनमें से कौन से साधन के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। तो कौन से साधन देखने से क्या लगता है, नहर दिखता है। ठीक है, बट क्या है, देखो क्वेश्चंस अगर आगे, इनमें से कौन से साधन के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है, तो कैनाल्स, नहर, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, हैंडपम्प, इस प्रकार अगर है तो वेल और ट्यूबवेल का अगर हम मिला दें तो वेल का क्या है 35 है और ट्यूबवेल को 25, इतना हो जाएगा आपका 60% हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ गए तो अगर जिसमें दोनों दिया वेल और ट्यूबवेल तो 60% तो इससे अकेला से हो रहा है, सॉरी इस ऑप्शन से हो रहा है, तो आप इसमें टिक लगाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस जो कि घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। आइए इसके बाद अब और देखते हैं सिंचाई के साधन, क्या क्या इक्विपमेंट है सिंचाई करने के लिए जो हमको जरूरत पड़ती है। तो इसको भी दो भागों में क्लासिफाई किया गया, फर्स्ट है मनुष्य द्वारा और सेकंड है पशुओं के द्वारा। मनुष्य के द्वारा यूज किए जाने वाला इक्विपमेंट कहो या साधन कहो, पशुओं के द्वारा या पशुओं के थ्रू उपयोग करने वाले यंत्र कहें। तो इसमें है आपका बेड़ी है, ढेकली है, पेंच है, पेडिल पट्टियां हैं, डोन है, चैन पंप है। इसमें है आपका चरसा, रहट, चैन पंप, बलदेव बाल्टी, मायादास लिफ्ट और वासर रहट। तो इतने सारे, ये सारे कंपोनेंट्स को, ये सारे चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा मनुष्य उपयोग करते हैं और कौन सा पशुओं के द्वारा। आइए थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे बेड़ी, स्विमिंग बास्केट, स्विमिंग बास्केट एक टोकरी नुमा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, उसमें क्या है, चारों कोनों में रस्सी लगी होती है, दो आदमी पकड़ता है, एक आदमी इधर से पकड़ेगा, सेकंड आदमी इधर से, फिर पकड़ के उसको क्या है इस प्रकार से झुलाकर पानी को निकाला जाता है। ठीक है, तो ये जो बेड़ी है, बेड़ी के द्वारा हम 1 से 1.5 मीटर की गहराई तक क्या है पानी उठा सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार है ढेकली, ढेकली आप लोगों ने सुना होगा जिसको गांव एरिया में टेंगड़ा बोलते हैं, ये आपकी कुआं से पानी निकलने के काम आता है। ये इस प्रकार का रहता है, एक खंभा रहता है, खंभे में इस प्रकार से लगा हुआ स्ट्रक्चर रहता है, इसमें से यहाँ रस्सी या बांस के थ्रू बाल्टी बंधी रहती कुआं में रहता है, इस प्रकार से ऊपर नीचे करते हुए हम निकालते हैं। ठीक, ये आपका क्या है 5 मीटर तक के पानी निकालने के लिए उपयुक्त है। पेंच, पेंच सिस्टम किसको कहते हैं, पेंच सिस्टम जो बाल्टी से पानी निकालते हैं वही आपका पेंच सिस्टम है। इसमें देखिए दो बाल्टी रहती है, एक बाल्टी जब आप ऊपर लाओगे तो दूसरा बाल्टी नीचे जाएगा, फिर बाल्टी खींचोगे तो ये नीचे जाएगा। तो ये पेंच सिस्टम जो सिंपली कुआं से पानी निकालते हैं, ये भी कुआं से पानी निकालने के लिए उपयुक्त है, ये भी पेंच। पेडल पट्टियाँ, पेडल पट्टियाँ मतलब आपको पेडल मारते जाना है, पेडल मारते जाओगे जिस साइकिल में पेडल करते हैं वैसी सिस्टम होता है कुएं के पास लगा रहता है, या फिर ऐसी जहाँ पे पानी के स्रोत है वहाँ पे लगा सकते हो, पेडल मारते जाओगे तो पानी ऊपर आते जाएगा। डोन, डोन भी एक प्रकार का पानी निकालने का बड़ा संयंत्र होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम पानी को किसी निचले स्थान जैसे कि क्या है आपका 1 से 2.5 मीटर की गहराई से पानी उठाते हैं। वैसे ही आपका चैन पंप,
चैन पंप मतलब चैन रहता है, चैन घूमते जाता है, पानी ऊपर आते जाता है। तो ये सब क्या है? मनुष्य के द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिंचाई के साधन। वैसे आपका पशुओं के द्वारा उपयोग किए जाने वाला चरसा या रहट, ठीक है। चरसा क्या होता है? कुआं से निकालते हैं पानी, ठीक है, या सिंचाई के स्रोत से। इसमें बाल्टी लगा होता है, बहुत सारे बकेट्स लगे होते हैं और पशुओं को राउंड चारों तरफ घुमाया जाता है। इससे क्या है, वो चैन से घूमते जाते हैं और निकलते जाते हैं। वो चरसा मतलब चरखा आपने सुना होगा, ये चरखे की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका नाम चरखा है। वैसी रहट है, सेब इसी प्रकार रहता है। रहट को आप हम लोग पर्सियन सिस्टम भी कहते हैं, इसमें कम मात्रा में पानी निकलता है। चैन पंप ये भी उसी का रूप है, इसमें चैन लगा रहता है। बलदेव बाल्टी मतलब बड़ा बड़ा बाल्टी होता है, ठीक है, जो क्या करता है, एक बाल्टी नीचे जाता है, दूसरा बाल्टी ऊपर आता है, एक नीचे तो पशुओं के द्वारा ही ये कार्य करवाया जाता है। मायादास लिफ्ट भी पशुओं के द्वारा ही यूज कराते हैं। और वासर रहट, ये रहट थोड़ा छोटा होता है, इसको भी पर्सियन रहट के नाम से जाना जाता है। तो इतने प्रकार से आपके सिंचाई के साधन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये सब के बारे में और अच्छे से जानना है, आपको देखना है कि किस प्रकार का सिस्टम होता है, तो आप इसको इमेज के थ्रू ये यूट्यूब में या फिर गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पास इनका डायग्राम बनाना, क्योंकि डायग्राम वगैरह तो आता नहीं है, कंपोनेंट पूछते नहीं, सिंपली कौन सा मनुष्य के द्वारा, कौन से पशुओं के द्वारा ये सब, या फिर कौन सा लिफ्टिंग डिवाइसेस है, ये सब पूछा जाता है। तो ये थर्ड ईयर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक सिंचाई और सिंचाई के स्रोत एवं उनके साधन, ठीक है, थैंक यू।